रतलाम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की नसीहत के बाद रतलाम जिला प्रशासन हरकत में आया है। दरअसल दारुल उलूम आयशा सिद्दीकी मदरसा के निरीक्षण के बाद रतलाम अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने मदरसे को क्लीन चिट दे दी थी। अपर कलेक्टर के क्लीन चिट के फैसले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भड़क गए और इस पूरे मामले को संभालने के लिए रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम मदरसे पहुंचे और बच्चियों को किताबें भी बांटी। जिन बच्चियों के एडमिशन स्कूलों में नहीं हुए हैं उनके एडमिशन करवाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि बाल संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने आरोप लगाए थे कि बच्चियों को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है और साथ ही बहुत सी बच्चियों के स्कूल में एडमिशन भी नहीं है। और इस निरीक्षण के बाद रतलाम प्रशासन हरकत में आया और शहर के सभी 5 मदरसों के निरीक्षण के आदेश जारी किए गए थे। बाल संरक्षण आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा, उन्होंने इस मदरसे का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो बच्चियाँ हैं उनको दीनी तालीम तो दी जा रही है लेकिन जो आधुनिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो तदनुसार हमने आज मदरसे के जो संचालक पदाधिकारियों से बात करी है और इनका एडमिशन जो है जो मान्यता प्राप्त स्कूल उसमें कराया है, रिपोर्ट दी है। तो अभी रिपोर्ट का अध्ययन करके कार्रवाई करेंगे आगे।